आप सबका आज शाम जूम मीट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब जो आज नए काफी नए लोग जुड़े हैं वो आशीषित होंगे वचनों से, शिक्षा से। और ये शिक्षा भी बहुत अच्छी है कि हम इसको और सीखें। मैं आगे बढ़ने से पहले मेरी वाइफ बीना जी को कहूंगा कि वो एक छोटी सी दुआ से इस सभा को प्रारंभ करें। आइए सब मिलके दुआ करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं अनुग्रह के लिए कि आपने प्यारे खुदावंदा ये समय दिया, ये कीमती समय आपके कीमती वचन के लिए प्यारे परमेश्वर हम देते हैं, ताकि आपका कीमती वचन जो कि एक आत्मिक धन है हमारे हृदयों के अंदर बोया जाए प्यारे परमेश्वर। और जो इस धन से जो इस जीवन निकलता है प्यारे खुदावंदा, एक एक जो सुनते हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, मेरे पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके हृदय मन आपके प्रकाशन से, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी समझ से भर जाए प्यारे खुदावंदा। और खुदावंदा, क्योंकि आपका वचन सिखाएगा इसलिए हम और अच्छी आपसे संगति कर सकेंगे, क्योंकि खुदावंदा हमारा मन नया होएगा वचनों से। प्रार्थना करते हैं जिनको प्रभु जी समझ दीजिए, ताकि प्यारे खुदावंदा ये आपका वचन सीख सके। धन्यवाद करते हैं। और शैतान के विरोध में भी प्रभु इन वचनों को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं आप बताइए। और प्रभु जी हमारे व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर आपकी ये कीमती वचन प्रभु जी ऐसे काम आए, जैसे प्रभु जी दाऊद के जीवन के अंदर प्रभु जी हमने जैसे देखा प्रभु कि वो आपसे कितना आपको जानता था, वैसे ही प्रभु जी इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको गहराई से लोग आपके प्रेम को जान सके प्यारे खुदावंदा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से गहरा काम हुए हृदय और मनों में। प्रभु नया मन कर दीजिए आज जीवित वचनों के द्वारा, और होने दीजिए कि एक एक प्यारे खुदावंदा एक सोता बन जाए आपका प्यारे परमेश्वर, ताकि आपके आपके इस जो ब्रह्मांड है जो आपने सृजा है उसमें आपके लोगों को प्रभु जी इकट्ठा कर सके, आशीषित कर सके प्यारे परमेश्वर, आपसे मेल मिलाप कर सके ऐसा वचन प्रभु जी, ऐसा उसका आत्मा प्राण शरीर गुदे गुदे हड्डी तक प्रभु प्रभाव डाले आपका वचन। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपके बेटे ये वचन सिखाते हैं, बोते हैं प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ केवल और केवल पवित्र आत्मा इनके मध्य से बोले प्यारे परमेश्वर, और खुदावन ये धीमी और मीठी आपकी आवाज सुन सके, और आपके वचन को प्रभु जी एक मोती के रूप के अंदर प्रभु जी एक कीमती धन के रूप में बांट सके अपने बच्चों को, एक मन्ना जैसे तृप्त हो जाए, और प्यारे खुदावन एक जीवन, एक नया जीवन का जोश आए यीशु के नाम से। हर एक चीज को मैं यीशु के लहू से ढांपती हूँ, जितने लोग उनके परिवार, हमारे लोग परिवार सबको यीशु के लहू में ढांपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सामर्थ्य प्रार्थना। चलिए, तो मैं आज जो कह रहा था आप लोगों को कि ये जो आज की शिक्षा है ये बहुत अहम शिक्षा है जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए। ये जैसा मैंने भेजा था कि मसीह जीवन के लिए आप स्वयं कोशिश कर रहे हैं या परमेश्वर की सामर्थ्य से जी रहे हैं, ये दो तरीके हैं। जीने का तरीका एक ही है, आपकी सामर्थ्य से नहीं। जैसा कि वचन बताता है जकरायाह 4:6 में, जो मैं आपको आशा करता हूँ सारे वचन दिख भी जाएंगे आपको स्क्रीन पे, तब उसने मुझे जकरायाह 4:6, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो बात यहाँ समझ में आती है, वो पुराने नियम में ही परमेश्वर ने बता दिया था कि ये हमारे को जो है अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वरी जीवन को जिया जाता है। परमेश्वरी जीवन
परमेश्वर की शक्ति से प्राप्त होता है, आपकी शक्ति से नहीं होता वो। परमेश्वरी जीवन परमेश्वर की शक्ति से प्राप्त होता है और उसमें हमारे को जैसे है ना जूझते नहीं रहना है, बल्कि हमारे को परमेश्वर की शक्ति के आगे झुकना और उसके सबमिट करना, यील्ड करना, सबमिट करना जो है, ये चीज हमारे को आना चाहिए। हमारे बल से, हमारी सामर्थ से, हमारी समझ बुद्धि ज्ञान से, जैसा नीति वचन 3 में बोला है, उससे नहीं करना है। हमको किससे करना है? परमेश्वर की आत्मा में, अधीनता में जाकर करना है। तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, परमेश्वर जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य से प्राप्त होता है, ना कि स्वयं के प्रयासों से। अक्सर मैं मसीह जो लोगों में देखता हूं कि लोग अपने प्रयास से परमेश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं, उद्धार पा लेते हैं निस्संदेह, उद्धार भी स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। सबसे पहली चीज हम जब इसको देखें कि परमेश्वरीय सामर्थ्य के बारे में, तो हम जाते हैं एक्सोडस में, अर्थात निर्गमम में, निर्गमम में चलते हैं, देखते हैं वहां पे मूसा को परमेश्वर ने कैसे दृढ़ करा और कैसे इस्तेमाल किया। पर नीति निर्गमम 4:2 यहां यूं लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वे क्या है? वे बोला, लाठी। ये जो लाठी अभी मूसा के हाथ में थी, मूसा की लाठी थी, और उसको उसने बोला ये लाठी है। तब परमेश्वर ने उससे, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वे सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा, डर गया, सर्प बन गया तो डर ही गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। आपको अगर जिसको भी कोई थोड़ा समझ हो, सांप सर्पों को जब पकड़ते हैं तो अक्सर हम लोग उसके गर्द माने बिल्कुल मुंह के पास से पकड़ते हैं ताकि वो डस न ले हमको। पूंछ से अक्सर कोई नहीं पकड़ता कि कैसे पकड़ना है करके, तो ताकि वे, अब आगे लिखा है, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। ठीक है, तब उसने मूसा ने, अब क्या करा, जैसा परमेश्वर ने बोला ऐसा कर। वैसे मूसा जानता था कि, मैं मानता हूं वो बिरबान में जंगल में रहता था, सांपों के बारे में काफी कुछ इसको ज्ञान था, परंतु उसने क्या करा कि आगे बढ़कर इसमें लिखा है, फिर लाठी जैसे उठाया तो वो हाथ में उसकी लाठी बन गई। अब देखते हैं इस लाठी, जब ये लाठी बन गई तो आगे इसके बारे में क्या लिखा है। चलते हैं इसमें, हम इसी में निर्गमम 20:21 को देखते हैं। निर्गमम 20:21 में क्या लिखा है इसके बारे में, इस लाठी के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या परमेश्वर का वचन बताया। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी, अब मूसा की लाठी नहीं रही थी, जैसे ही परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया, अभिषेकित कर दिया, तो क्या हो गई वो परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा, और इस लाठी के कारण क्या क्या कर पाया। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, यहां देख रहे हैं वश में किए हैं, उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को अटीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जानेगा। तो यहां बात समझ में आती है कि अब ये लाठी मूसा की लाठी नहीं थी, ये किसकी लाठी हो गई, परमेश्वर की लाठी हो गई। और उससे आप जैसे मूसा के बारे में और उधर पे पढ़ेंगे निर्गमम में, और उसमें बहुत बहुत समुन्द्र को दो भाग कर दिया और बहुत चीजें करी, जितने भी जो श्राप वहां पे आए मिस्रियों के ऊपर, वो सारे उस लाठी के कारण ही यूज करके करा था। तो इसी प्रकार से नए नियम में आकर परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे, आपके अंकल जी आपके वहां से म्यूट होता है तो आप वहां से कर दीजिए, आपके वहां से म्यूट होता है तो आपके वहां से कर दीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, आप लोग कर लें, कोई जिसका भी म्यूट बिना जरा सा देख गए उधर से आकर देखिए, ये पार्टिसिपेंट्स को खोलिए, उसमें देख लीजिए पार्टी इधर वाले।
उसमें देखो किसका भाई, ये वाला नहीं आ रहा है, इसको नीचे वाले को, नीचे वाले को, मेरे वाले को। हो गया हो गया हो गया, नहीं ये नहीं, ऊपर वाला नहीं आ रहा है, उसको मत। रमेश रमेश पुनिया जी, इसको म्यूट करें आप अपने अपने। हाँ हो गया, और कोई दिख रहा है जो अनम्यूटेड है? ठीक है, आप सब लोग अब क्लोज कर, दो मिनट आप दीजिए मुझे, क्लोज कर, इधर से ऊपर से, ऊपर से इधर से क्लोज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तो अब नए नियम में आकर परमेश्वर हमको एक एक जन को क्या दे रहा है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दे रहा है, ठीक है ना। जैसा इफिसियों खोल के पढ़ते हैं, इफिसियों, और इस प्रकार से हमारे को भी एक लाठी के रूप में परिवर्तित करता है परमेश्वर, उद्धार देकर, उसकी सामर्थ को देकर। आप इसके बारे में मैं कई बार प्रीच कर चुका हूं कि हमारा उद्धार किससे होता है, अनुग्रह और विश्वास से। जैसे यहाँ इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। फिर आगे लिखता है, और न कर्मों के कारण, ये आपके और मेरे कुछ कर्म करने से नहीं होता है, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह और यहां तक कि विश्वास भी वो देता है जो सुसमाचार से हम प्राप्त करते हैं। फिर यहां लिखा, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये तो वह हमारा उद्धार का कारण, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास पर निर्भर है। फिर आगे लिखा, जब उद्धार पा लेते तो क्या हो जाते हैं, उसी प्रकार हो जाते हैं जैसे लाठी मूसा की हो गई थी। क्या हो गया, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है, वहां लिखा था कि हम परमेश्वर की लाठी हो गए, यहाँ लिखा है हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार कर। हम तैयार नहीं कर रहे, लोग बात सोचते हमको कुछ कर लेना है, नहीं, वास्तव परमेश्वरी जीवन क्या है कि हमको उन भले कामों के लिए सृजा है जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये बहुत बड़ा अंतर है जहां पे समझना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कुछ करने लगेंगे तो वो है परमेश्वर के लिए काम, ऐसा नहीं है। तो फिर हमको करना क्या है, ये प्रश्न होता है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, योहन्ना 6 खोले, आराम से चलेंगे ताकि अधिक से अधिक समझ सके, वचनों को आप नोट कर सकते हैं और समझने में आसानी होगी, वचनों को पढ़ेंगे तो। यहां आप मैंने खोला है योहन्ना 6:28, ये एक ऐसा वचन है जहां पे, ये वो है स्थिति जब परमेश्वर ने लोगों को रोटी और मछलियों से तृप्त करके खिलाया था, और उसके बाद लोग यीशु मसीह को ढूंढ के पीछे आने लगे, वापिस इसके लिए नहीं आए कि वो चमत्कार देखा था, वो वापिस खाली भूखे होते तो इसके लिए वापिस ढूंढने आ गए, खाने के लिए, पेट के लिए, अपने शरीर के लिए। तब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उनसे, यहां लिखा था 6:28, उन्होंने उससे कहा, और परमेश्वर ने उससे कुछ बात की और फिर कहा, ऊपर से पढ़ लेते थोड़ा सा, यहां लिखा था, देखिए आप, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त, अर्थात शरीर की जरूरतों के लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, आत्मिक चीजों के लिए नहीं ढूंढ रहे हो। फिर लिखा है, नाशवान भोजन के लिए तो तुम परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। वो अनंत जीवन और कोई नहीं दे सकता यीशु मसीह के अलावा। फिर लिखा है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी। फिर लिखता है, तब लोगों ने कहा, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। ये अक्सर हमारे भी दिल में सवाल आता है जब उद्धार पढ़ते, तो अब हम क्या करें। तो यहाँ क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। ये है काम, ये मात्र एक काम है जिससे आगे की सारी चीजें परमेश्वर हमारे द्वारा कर सकता है। हमें बहुत बड़ी एक गहरी बात यहाँ पे प्रकाशन है कि हमको अपने बल से, अपनी सामर्थ से काम नहीं करना है, हमको केवल और केवल परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो।
तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर का काम काम पैदा करना है। आ रही बात समझ? परमेश्वर का काम काम पैदा करना है और हमें विश्वास करना है, स्वयं पर निर्भर नहीं करना है हमको, परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करना है, तब परमेश्वरी जीवन हमारे अंदर का, का, का काम हो सकता है। अब आती है बात, जब हम पुरानी वाचा को देखते हैं, पुराने नियम में आप परमेश्वर के लिए कार्य करते थे, मनुष्य जो है परमेश्वर के लिए कार्य करते थे, नए नियम में परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। आपको पता है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने सारा क्रूस का कार्य किया और अंत में क्या हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। योना में लिखा था कि सब कुछ तो परमेश्वर ने आत्मिक जगत हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, करेगा नहीं, ये चीज बहुत ध्यान से समझिए। उदाहरण के तौर पे पत्रस में लिखा है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए, होंगे नहीं लिखा, हो गए, अर्थात यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए तो उस पे उस कार्य के कारण आज हम बड़े आराम से चंगे हो सकते हैं, हमारे कुछ करने से नहीं, उसे विश्वास से ग्रहण करना। तो खाली आज जो हमको करना क्या है, विश्वास करना है। हमें समझ में आ रही बात? अब आप आगे चलते हैं हम। अब जो शैतान है वो आपसे कोशिश करवाकर आपका ध्यान भटकाने का काम करता है। कैसे करता है? वो कहता है तुम कुछ करके दिखाओ। यहां तक जब यीशु मसीह को जब उसने टेंप्ट करा अर्थात परीक्षा ली, तो उसने क्या बोला, अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो इन पत्थरों को रोटी बनाकर दिखाओ, अर्थात कुछ करके दिखाओ। पर यीशु मसीह जानता था उसने ये इस चीजों में फंसा नहीं, उसने कहा परमेश्वर की ओर कभी भी परखना नहीं है और हम परमेश्वर के वचन से जी सकते हैं। तो हमको भी ये चीज ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या है, जब आप धर्म में चलते हैं किसी, यहाँ तक कि जब ईसाई धर्म को भी बना दिया है लोगों ने, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि धर्म कहता है कि उसे इसे अपने आप करो, जो भी कुछ करना परमेश्वर के लिए अपने आप करो, तब परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। हरी बात समझ में? जबकि ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ आप करे बिना ही पहले से कर दिया, इसी के लिए तो अनुग्रह हुआ। अगर अनुग्रह हमारे कुछ करने से परमेश्वर कर रहा है तो वो अनुग्रह नहीं है, कर्म के कारण हो ही नहीं सकता। इसको चाहिए देखते हैं शायद रोमियो 6:11 में मिलेगा आपको, रोमियो 6:11 खोल के देखते हैं। रोमियो 11:6 पढ़ते हैं, यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, जैसे कर्मों को जोड़ दोगे तो अनुग्रह अनुग्रह रहता ही नहीं, आगे ही लिखा नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। कहने का तात्पर्य है कि मेरी बीमारी के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे उन्नति के लिए आज नहीं कर रहा परमेश्वर को, उसने क्रूस पे वो सब कुछ कर दिया 2000 साल पहले, इसके लिए वो अनुग्रह, मैं आया नहीं, उसके पहले परमेश्वर ने सब कुछ मेरे खातिर कर दिया, आत्मिक जगत में हमारे लिए उपलब्ध है। भाई बात समझ, अनुग्रह ये है, अनुग्रह ये नहीं है कि आज आप जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कुछ करके दे देता है। हमें बहुत ध्यान से समझिए, अनुग्रह ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे आने से, कर्मों से, कुछ करने से, ना करने से करता हो परमेश्वर। परमेश्वर ने मैं नहीं था तभी सब कुछ करके दे दिया मेरे लिए, इसके लिए अनुग्रह जो बाइबल में जो है ना, सब चीज आज नए नियम में अनुग्रह और विश्वास। और विश्वास भी ये नहीं कि हम आज कुछ करें, बहुत अच्छी प्रार्थना कर लें तो नहीं, जो कर चुका है परमेश्वर अनुग्रह से उसको हम विश्वास से ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? वही है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ, हमारे निश्चय उसने हमारे सारे रोग, जब हम ये शायद 53:4 से आगे पढ़ते हैं, लिखा गया निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया, निश्चय हमारे दुखों को ले लिया, वो हमारे कारण मारा गया, पीटा गया, कोड़े खाए, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं, होंगे भी नहीं लिखा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि परमेश्वरी जीवन कैसे जिया जाता है।
नए नियम में आकर परमेश्वरी जीवन केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास जिया जाता है। आई बात समझ में? अच्छा लग रहा होगा जरूर आप लोगों को। मानव जो है वो मानव संसाधन आपको परमेश्वर के लिए जीने नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिए, मानव संसाधन आपको परमेश्वर के लिए जीने नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से हम दिव्य जीवन आलौकिक जीवन जी सकते हैं। अनुग्रह हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे झुकाती है, लेकिन धर्म कहता है कि आपको ये अपनी शक्ति से करना होगा। ये फर्क है। और फिर आगे लिखा, आपको उनकी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझिए कि हमको हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम सब चीजें कर सकते हैं। बाइबल की कोई भी चीज आप स्वयं के बल से, स्वयं की सामर्थ्य से, स्वयं, इसी के लिए जब हमने जकराया में पढ़ा, जरूर बिल्कुल बोला, ना बल से ना सामर्थ्य ना अपनी शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करना है। तो क्या है मतलब? फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमें सिद्धांतों को सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जनरली हम लोग बहुत सिद्धांत सीखते हैं, ये 4-5 स्टेप्स, ये कर ले वो कर ले। उससे बेहतर है पवित्र ऐसा करने पे हम पवित्र आत्मा की उपेक्षा करते हैं जो हमारी अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे को अगुवाई करता है, वो सिखाता समझाता सब चीज बार बार वचन में आता है। जैसे रोमियो 8:14 में भी लिखा है, इसलिए पढ़ते हैं खोल के रोमियो का 8:14 खोलेंगे। आप फॉलो कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं अपनी चीजों को? क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, स्टडी नहीं करोगे, तो आगे प्रकाशन भी नहीं पाओगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। हर कोई नहीं है। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां ये नहीं लिखा गया जितने लोग अपने बुद्धि से, अपने समझ से, अपने ज्ञान से चलते हैं। यहां लिखा गया परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वरी जीवन जीने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता सबसे पहले है। और आत्मा पाने से ही काम नहीं चलता है, उससे चलना भी पड़ेगा, उसके अधीनता में होकर चलना, तब जाकर आप एक अलौकिक जीवन जी सकते। मेरे साथ भी हुआ। मैं भी 1998 तक एक ईसाई धर्म में चलता था और धर्मों के नियम कायदों को मान के सोचता था कि ये परमेश्वरी जीवन या मसीह जीवन मान लेता था, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने उद्धार पाया, आत्मा पाया, तब वास्तव में तो मेरे को ये समझ में आया कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या, क्यों मेरे को इस सृष्टि में लाया। तब मेरे से परमेश्वर ने बातचीत की, कहा कि तुम्हारे को शिक्षक बनाना चाहता हूं। जबकि उस उम्र तक, 40 साल की उम्र तक, मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ा था। मेरे घर में बैठ के जब बाइबल की कभी भी मैंने कोई प्रार्थना आत्मा होती तो मैं अपने बड़े बेटे अमन के पास बैठता था, क्योंकि वो संडे स्कूल गया हुआ था, बाइबल खोलना आता था और वो मेरे को बाइबल का अध्ययन मैंने दिखाता था, पढ़ता था। तो ये चीज थी मेरी हालत। आज जब आप मेरे सेविकाई को देख रहे तो आप मान ही नहीं सकते ऐसा मैं 40 साल की उम्र में था। और 1998 में मैंने इस परमेश्वर का उद्धार पाया, परमेश्वर की आत्मा पाई, क्योंकि उद्धार है। और उसके बाद 2001 में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अन्य भाषा का वरदान, ये सब पाने के बाद 2001 से सेविकाई शुरू करी, करता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, परमेश्वर आगे बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अब मेरे अंदर परमेश्वर जीवन कार्य कर रहा है। हमें आत्मा पे निर्भर रहता हूं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। 8:15 जब हम देखते हैं तो वहां पे बड़ा अच्छा लिखा है, नहीं 8:15 नहीं, चलते हैं। अब ये मैं समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें एक ढीला जीवन अर्थात पापी जीवन जीने की अनुमति नहीं, बल्कि एक उच्च जीवन जीने की सामर्थ्य देती है। क्या कह रहा हूं मैं? परमेश्वर का अनुग्रह हमें एक ढीला जीवन नहीं जीने की अनुमति नहीं देती, बल्कि एक उच्च जीवन जीने का सामर्थ्य देती है। पढ़ के देखते हैं रोमियो का 6, चलिए रोमियो का 6 और 14 पढ़ते हैं। रोमियो का 6 और 14,
या यूं लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परन अनुग्रह के अधीन हो। अमीन। क्या करता है परमेश्वर का अनुग्रह? क्या करता है? हमारे को पाप में धसाए नहीं रखता है। एक और जगह से भी पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तीतुस खोलेंगे हम, आप तीतुस 2:11 पढ़ते हैं। यहां ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार लाने में सक्षम है। ये कौन है अनुग्रह? ये और कोई नहीं, यीशु मसीह जो अनुग्रह सच्चाई से भरा था वो हमारे लिए आया। और फिर आगे लिखा है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिलता है तो वो क्या करता है? अनुग्रह आकर अंदर सो जाता है, यीशु मसीह आकर सो जाता है। ऐसा नहीं लिखा, वो हमारे को चिताता है। ये है जीवन, परमेश्वर ये जीवन कैसे करता चलता है? जब अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह की आत्मा, यीशु की आत्मा जब हमारे अंदर उद्धार पे मिलती है तो क्या करती है? हमको चिताती है, हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, आने वाले युग में नहीं करता, इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए। एक्चुअली में जब धर्म में चलने वाले ये चाहते हैं मगर कर नहीं पाते क्योंकि अनुग्रह नहीं लेते, अर्थात अनुग्रह यीशु मसीह स्वयं है। बाइबल में अनुग्रह और कोई नहीं, यीशु की आत्मा ही अनुग्रह की आत्मा है। और वो क्या करता है? हमारे को चिताता है, किससे? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर, तभी तो जाकर आप परमेश्वरीय जीवन जी सकोगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत अच्छी चीज लिखी है। फिर आगे और पढ़ते हैं इसको, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। आप जानते हैं संसार यीशु मसीह के आने के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वो तो मस्त रह रहे हैं, चलो करते रहेंगे, जो कोशिश करते हैं थोड़ा ठीक चलने पलाना, मगर उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अब बहुत बड़ा अच्छा लिखा है, जिसने अपने आप को, किसने? यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ये सुसमाचार का एक बहुत संक्षिप्त रूप है कि वो हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आपको हमारे लिए दे दिया कि, क्यों दिया? कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, एक दो नहीं, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। यही तो परमेश्वर जीवन है कि हम सारी भक्ति और ये सब चीजें से छुड़ा कर और शुद्ध करके, कौन शुद्ध कर रहा है? हम नहीं शुद्ध कर रहे, परमेश्वर की सामर्थ हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र बनाती है, हमें धार्मिकता का वरदान देती है और अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो क्या करता है? पापों को करता रहे नहीं, भले भले कामों में सरगरम हो जाए। ये है परमेश्वरीय जीवन। परमेश्वर जीवन आपकी बस की बात नहीं है, वो यीशु की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा जब हम प्राप्त करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, आत्मा से फिर चलते हैं, वचन के अनुसार चलाता है, सिखाता है, समझाता है, तब जाकर आप एक परमेश्वरी जीवन का। अन्यथा क्या है, आप अपने बल से, अपने सामर्थ्य से कुछ चीजें बाइबल की कर लोगे, थोड़े दिन बाद पता पड़ेगा वो भी नहीं कर पा रहे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के अपेक्षित जीवन के लिए उन्हें कभी भी अपना, परमेश्वर ने कभी भी अपना स्तर नीचे नहीं करा है। लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह करके थोड़ा सा हम पाप आप कर ले फिर भी बचाए, ऐसा नहीं करा है परमेश्वर ने, बल्कि सामर्थ्य दी है कि हम वो जीवन जी सके। तो परमेश्वर के अपेक्षित जीवन के लिए उन्हें उन्होंने कभी भी अपना स्तर कम नहीं किया। अब क्या है, लोग बाग इसको इसके लिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का मार्ग नहीं समझते और वे मनुष्य का मार्ग नहीं समझते। बाइबल बताती बड़ी स्पष्ट, परमेश्वर का एक तरीका है और मनुष्य का एक तरीका है चलने के लिए। इसको पढ़ते हैं हम, यशाया खोलेंगे हम, यशाया 55 पुराने नियम में चल के चलते हैं। यशाया कहाँ गया? यशाया जी, आपको समझ में आ रहा है बच्ची तरह? चलिए यशाया 55 खोलें और उसका 8 खोल के पढ़ते हैं। यहां यू लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मैं अभी बता रहा था परमेश्वर का तरीका
मनुष्य का तरीका बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जो आगे भी बता दिया है। विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर का फर्क, आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अंतर है ऐसा अंतर है। अब आपको समझ में आता है कि क्यों नहीं जी पाते हैं लोग परमेश्वरी जीवन, क्योंकि अभी तक उनको पूर्ण रूप से समझ ही नहीं आ रही कि परमेश्वरी जीवन परमेश्वर के तरीके से जिया जाता है और परमेश्वर की सामर्थ उसके बल से जिया जाता है, अर्थात पवित्र आत्मा से जिया जाता है, आपके बल और उससे नहीं। जब तक हम चलते हैं तो फिर हम सही चीजें कर भी नहीं पाते। तो इसका तात्पर्य है। और दूसरा एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है, बाइबल के वचनों के आधार पर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि परमेश्वर हमारे गुणों और अवगुणों के कारण कुछ नहीं कर रहा है, मेरिट्स और डीमेरिट्स के कारण हमारे साथ कुछ नहीं डील कर रहा है। वह परमेश्वर जीवन जीने के लिए डराने के रूप में न्याय की पेशकश भी नहीं करता है। अक्सर करते हैं ना, डराकर हम कई चीजें करा लेते हैं, ऐसा भी नहीं करता है। हालांकि कुछ उपदेशक ऐसा करते हैं आज परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की सेविकाई करते हैं, कुछ उपदेशक लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये करोगे नहीं तो ऐसा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं टर्न और बर्न, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। आई बात समझे, परमेश्वर तो भला परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर, और परमेश्वर जो कुछ करता है वो उसकी भलाई से उत्पन्न करवाता है। इसको देखते हैं, परमेश्वर की भलाई आपको मन फिराना की ओर ले जाती है। देखते हैं इसको रोमियो 2 में, खोलते हैं रोमियो 2। ये चीजों को ध्यान से समझिए और सीखिए। मन फिराना आपका आप नहीं कर सकते, नए नियम में आकर बड़ा स्पष्ट कर दिया किसके कारण। सॉरी तुमसे भूल गए, रोमियो 2 का 4 खोलना चाह रहा था, रोमियो 2 का 4 जी। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की क्रोध नहीं, परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव का को सिखाती है। और ये भी देखिए उस सिखाती, मन फिराना कोई ऐसा नहीं है कि बस एक यू हो गया जैसे, मन फिराना सीखना है। अमीन, आई बात समझ में। और फिर आगे 2:5 में यूं लिखता है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, मैं मनुष्य क्या है अपने हृदय को कठोर कर लेता, बात समझता नहीं सुनता नहीं, तो क्या होता है अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए। क्रोध आज नहीं कर रहा है, एक दिन आएगा जब परमेश्वर क्रोध करेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में है, और जब कलीसिया जो अनुग्रह से जो प्रभु में आई उनको हटाने के बाद वो क्रोध करने वाला है, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। हम क्या अभी छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं परमेश्वर का न्याय, कि हमारे हड्डी टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब परमेश्वर न्याय कर रहा है। सॉरी, ये नहीं है न्याय परमेश्वर का। परमेश्वर का न्याय पढ़ना है तो रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में जाकर देखोगे तब समझ में आएगा। यहां लिखा है जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहे। निस्संदेह आज हम जब ये चीजों को और परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम जिस तरह से चल रहे हैं कर रहे हैं उससे हम क्या कमा रहे हैं, अभी नहीं जो देगा बाद में वो क्रोध कमा रहे हैं। ये बहुत फर्क है। इधर हम क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर अभी बस न्याय कर देता है, नहीं करता परमेश्वर आज परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर का वचन अगर आप देखोगे तो वो नाराज होता ही नहीं है। ये क्यों हुआ, यशायाह में पढ़ के देखते हैं, यशायाह 54 को। ये बहुत बड़ा सत्य है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हमारे लोग बात सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर जो है हमसे कैसे डील करता है, कि हम जब सही सही चलते हैं तो सही सही करता है, फिर उसके बाद कहीं गलती करते हैं तो देर उठाकर हमारे ऊपर न्याय कर देता है। यहां पढ़ के देखिए क्या लिखा है, यशायाह 54:9 में, ये मेरी दृष्टि में नूह के समय का जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही जैसे उस शपथ को खाई थी, जबकि परमेश्वर को शपथ खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं मानता हूं,
और कह रहा है वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। आज कई जगह पे पुलपिट से परमेश्वर के बारे में, क्रोध के बारे में बता रहे हैं और धमकियों के बारे में दे रहे हैं लोग, पर ये गलत है, ऐसा नहीं है आज परमेश्वर में। क्यों नहीं है? क्योंकि यशायाह 54 जो है वो यशायाह 53 के बाद आता है। यशायाह 53 में यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के बारे में पूरी भविष्यवाणी यशायाह ने करी थी कि वो निश्चय उसने हमारे रोगों को ले लिया, हमारे दुखों को सह लिया। इस कारण से आज परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा है। और आगे लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा, क्रोध नहीं, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है, ये वास्तविकता है। इसको जाकर पूरा कैसे करा? क्योंकि यीशु मसीह ने आज हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। इसके लिए आज परमेश्वर हमसे क्रोध नहीं। इसको नए नियम में भी चल के देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, दूसरा कुरिन्थियों 5 में, दूसरा कुरिन्थियों 5 और 18-19 में पढ़ूंगा। आगे जब चलेंगे तो आगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ लिखा गया 17 में लिखा गया, इसलिए यदि कोई मसीह में, अर्थात जिसने उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, वो मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई है। आगे फिर क्या लिखा गया? और सब बातें जो नयापन लाया है वो क्या? परमेश्वर की आत्मा से हो रहा है। सब बातें परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से नहीं है। ये परमेश्वरी जीवन, परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वरी जीवन उंडेलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, करेगा नहीं लिखा, पास्ट टेंस है ना, कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आगे पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ खाली मेरा और आपका ही नहीं, सारे संसार का मेल मिलाप कर लिया है। आज परमेश्वर संसार से नाराज है, जब तो सुसमाचार ये बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। करेगा भी नहीं लिखा, कर लिया लिखा का प्रेम, तो यही है परमेश्वर का अनुग्रह कि उसने मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हम लोग तब भी कर रहे थे गलत, पर तब भी क्योंकि सारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर उंडेल के उसके दंड दे दिया, इसके लिए आज परमेश्वर हमारे पापों का दंड नहीं दे रहा है, मगर ये लोगों को पता नहीं है। और यहां लिखा है, और उसने मेल मिलाप का विचार वचन हमें सौंप दिया है। अब हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या करना है? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप कर लो का क्या अर्थ है? अर्थात जो यीशु मसीह ने करा हमारे लिए और जो आगे जाकर 21 में बताया भी है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए, इसके लिए आप सब के लिए, सारे संसार के पाप के लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, अर्थात उसे मानकर कि उसने हमारे पापों को ले लिया, वो उसके लिए दंडित हो गया और तीसरे दिन मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, तो क्या हो जाते हैं? उसमें हम होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते, करने नहीं लगते, धार्मिकता बनते हैं। ये एक पोजीशन है, समझ में आ रही बात, कि धार्मिकता अच्छे कामों को करके नहीं बन रहे, परमेश्वर की धार्मिकता दान के रूप में हमको मिलती है। और हमारे को परमेश्वर, अब जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं और उसकी धार्मिकता को पाते हैं, तो फिर कैसे देखता है? पापी के स्वरूप में नहीं देखता, उसे हम धर्मी दिखते हैं। इसके लिए आप परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि हमारे कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता तो स्वयं यीशु मसीह है, पहला कुरिन्थियों 30 में बताया भी, उसके कारण, उस दान के कारण। और फिर फिलिप्पियों 3:9 पढ़ोगे तो वहां पे भी पौलुस समझाता है इसको, ये करता है। तो हमको अब क्या करना है? जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसके कारण हम परमेश्वरी जीवन जी सकते हैं और वो हमेशा हमारे जीवन में चाहिए, वो है मन फिराना।
मन फिराने के लिए नए नियम है। पुराने नियम में तो बहुत चीजें लिख रखी है, रात के कपड़े पहनते थे, अपने पापों का अंगीकार करते थे, सब सब ये शायद में उसमें लिखा हुआ है पुराने नियम में। नए नियम में आकर मन फिराना कैसे देखता है यीशु मसीह, पढ़ते हैं हम लूका, लूका 15 का खोलते हैं, लूका 15। ये बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज को। हम लोग ने अभी भी क्या है, मन फिराने के लिए बहुत सारे ऐसे डॉक्ट्रिन्स बना लिए हैं कि ये पापों का अंगीकार करेंगे, फलाना करेंगे, मगर यहाँ जब आप पढ़ोगे तो बड़ा अलग चीज लिखी है। यहाँ लिख रखा है 15:1 में, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। कौन आ रहा है? हना हमको यीशु मसीह के पास ही। कौन आते? पापी लोग। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे थे, इसके लिए यीशु मसीह के पास जाना है और उस वो क्या कह रहा है वो सुनना है। और दूसरी कौन थी? फरीसी। वो फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है, अर्थात लोगों को क्या कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। अब पापियों से क्या कह रहा है परमेश्वर, एक दृष्टांत के रूप से बात कर रहा है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, किससे? पापियों से। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को मैदान में छोड़कर, खुले में छोड़कर, उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। ये हम परमेश्वर को खोज नहीं रहे, वास्तव में यीशु मसीह हमको खोज रहा है। आमीन। तभी तो हम अनुग्रह और विश्वास से बचाए जाते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा बनने लग रहे हैं, हम जाकर खोज रहे हैं यीशु मसीह। नहीं, इस सिद्धांत को समझना, जब भी मन फिराना समझोगे तो खोज रहा है। तो कैसे? 99 में अगर ऐसा शेपर्ड या भेड़ पालक होता तो मैं एक गई तो छोड़ो यार, क्या रखा है इसको एक के लिए, अपने 99 तो अपने पास है मान के रुक जाता। मगर यहां लिख रखा है परमेश्वर 99 को छोड़ के उस एक भेड़ के, अर्थात आपके और मेरे पीछे आता है, ढूंढता है। भेड़ क्या कर रहा है? भाग गया, खो गया। परमेश्वर नहीं खोया है, हम खोए हुए परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर हम खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है। ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत जो है, जो परमेश्वर जीवन को जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे लिखा है, और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। अरे मेरा जैसा अगर हो तो मैं तो उसके टांगे वांगे तोड़ के फिर घसीटता हुआ कान पकड़ के लेकर आता। सही बता रहा हूं, मैं यीशु मसीह जैसे नहीं कर सकता था, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है हमारे साथ। वो क्या कर रहा है? हमारे को आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता। इसे बोलते हैं yielding to God। चाहता तो वो भेड़ अभी भी भाग सकता था, दूर चला जाता, मगर जैसे ही परमेश्वर ढूंढता आते हैं, और हम भी जब परमेश्वर हमारे को किसी किसी तरीके से चंगाई पे या और लोगों के द्वारा इस तरह से करता है, तो फिर क्या करना है हमको? चुपचाप उसके कंधे पे चढ़ना है। इसे आगे चल के परमेश्वर का वचन बताया, और फिर और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी कोई भी भेड़ मिल गई है। परमेश्वर खुश होता है आपको ढूंढ के पाकर उठाकर लेकर आता है। तो इसको क्या लिखा है इधर पे, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी 15:7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। वहां यहां क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन कि मन फिराना निश्चित, पुराने नियम में मैंने बताया ना सब ये सब चीजें, पश्चाताप करना, पापों का अंगीकार करना। नए नियम में आकर क्या है मन फिराना? इस भेड़ ने कुछ बोला उसको? कुछ नहीं बोला। करा क्या उसने? अपने आप को समर्पित कर दिया यीशु मसीह और कंधे पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ाया? नहीं तो मैंने बताया ना होना क्या चाहिए था, लठ मार के हाथ तोड़ के लाकर पटक देना चाहिए। नहीं करा, क्रोध नहीं दिखाया परमेश्वर।
परमेश्वर ने करुणा दिखाई और आनंदित हुआ परमेश्वर। आनंद तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जब भागा हुआ है क्या आनंद होना उसके। मन ऐसा ही करता है, तो मन फिराना इसीलिए रोमियो में लिखा है उसकी भलाई हमारे अंदर मन फिराओ उत्पन्न करती है। मन फिराओ ही सबसे पहला कदम है परमेश्वरी जीवन में जीने के लिए, और हमेशा जरूरत पड़ेगी। आप इवन जब उद्धार पाने के बाद भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत कर देंगे प्राण और शरीर के कारण, और तब क्या करना पड़ेगा, मन फिरा अर्थात परमेश्वर की ओर देखना, उसके प्रेम को देखना, उसके वचनों से समझना कि वो आपसे क्रोध नहीं करता, आपसे नाराज नहीं है, वो अभी भी आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके कर्मों के आधार पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। तो यहां पे जब मैं समझाना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें याद दिलाता है कि उसने अनुग्रह से हमारे लिए क्या किया है, फिर उसके आधार पे वह हमसे अपील करता है अर्थात गुजारिश करता है। इसको पढ़ते हैं हम रोमियो 12 में। मेरे को पहले बहुत समय तक एक चीज समझ में नहीं आई, मैं उसको धर्म में चलने वालों के रूप में मानता था इस आयत को। पढ़ के देखते हैं, आज समझाने की कोशिश करूंगा, प्रभु की आत्मा से प्रकाशन पाइए इसमें। यहाँ लिखा क्या 12:1 में, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अर्थात अनुग्रह के अनुसार विनती करता हूँ। बिना अनुग्रह के परमेश्वर विनती भी नहीं करेगा, आपको धमका कर डरा कर नहीं लाता, अनुग्रह से विनती करवाता है। क्या करता है कि अपने शरीरों को जीवती और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वरी जीवन क्या है, यहां लिख रखा है क्या है कि आप पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मगर इसमें जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, लोग इसको सोचते कि हमको ये करना है, है ना, ऐसा पढ़ते हुए ऐसे ही लगता है। और बार बार बोलते हाँ अब आपको क्या करना है कि आपको पवित्र बनना है, परमेश्वर की बात थी बलिदान करके चढ़ाओ और तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये चीज नहीं समझते कि ये हो कैसे रहा है। पढ़ते हैं इसके लिए गलतियों में, जो पौलुस को समझ में आ गया था और उसने इसको बड़ा अच्छा लिखा है। गलतियों 2:20 खोल के पढ़ रहे हैं, गलतियों 2:20 यहाँ लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। आपको पता पौलुस वहां था ही नहीं क्रूस के पास, मैं क्या बोला आत्मिक जगत में क्या हुआ, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा। इसी प्रकार हम तो अभी आए हैं, मगर वो क्या रहा था जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर समय सीमा में नहीं है, वो क्रूस का कार्य समय में सीमित नहीं है, वो सबके लिए है। तो क्या हो रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है वो कार्य परमेश्वर जीवन को देने के लिए कि अब हमको जीवित नहीं रहना, हमारे अंदर मसीह हमारे अंदर जीवित होना है। फिर क्या लिख रखा है, फिर आगे बोलता पौलुस अलग ही बात ऐसा लगता है, पर वो कहता है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, अर्थात जीवन तो है उसमें, जिंदा तो है, तो केवल ध्यान से पढ़िए केवल शब्द है, ये नहीं कि ये करके ऐसा वैसा करके, नहीं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। इनफैक्ट इंग्लिश में जब आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ोगे, मैं उसको भी दिखाता भी हूं, फिर लिखकर जिसने, और ये क्या किस कारण से हो रहा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अर्थात वापिस सुसमाचार। तो सुसमाचार अनुग्रह के सुसमाचार के कारण आज हमको जीना है। तो हम क्या है, जब इस यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो फिर हम क्या हो गए, मर गए, और जो अभी रोमियो में पढ़ रहे थे ना क्या, वो बलिदान के रूप में हम मर गए वहां, मतलब जब जीवित हुए तो किसके आधार पे जीवित है, केवल यीशु मसीह के विश्वास से। जैसा कि आपको इंग्लिश की बाइबल में बहुत अच्छा दिखेगा, आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट नेवर्थलेस आई लिव येट नॉट आई बट क्राइस्ट लिवेथ इन मी एंड द लाइफ विच आई नाउ लिव इन द फ्लेश, देह में जो मेरा जीवन बिता रहा हूं वो क्या लिखा था, आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। ना हमारे विश्वास से जीना है, परमेश्वर के जीवन आपके विश्वास से नहीं जिया जा सकता जनाब। बाइबल बता रही है हमारे को किसके
परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के विश्वास से जीना है, और वो उसने हमसे प्रेम किया और हमको दे दिया। तो उद्धार के टाइम में जो विश्वास मिलना लिखा था, जब विषयों में भी लिखा ना कि तुम्हारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास से है, वो भी तुम्हारी ओर से नहीं, अर्थात ना तो अनुग्रह ना विश्वास तुम्हारी ओर से, किसकी ओर से है? यीशु मसीह की ओर से हुआ है। तो वो है विश्वास जिससे हम एक परमेश्वरीय जीवन को जी सकते हैं। और वो विश्वास कैसा है? बहुमूल्य विश्वास है। बाइबल से पढ़ के देखते हैं, दूसरा पत्रस में खोल रहा हूं, दूसरा पत्रस का एक का एक, यहां यू लिखा है, हिंदी में पढ़ते हैं, सॉरी हिंदी, शमयोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से, अपनी धार्मिकता से नहीं, धार्मिकता जो दान में दी जाए, धार्मिकता से हमारे जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर जीवन आपके विश्वास से नहीं चल सकते। आपका विश्वास एक दिन तो बहुत ऊंचा है, दूसरे दिन फलाना, उससे नहीं। परमेश्वर के बहुमूल्य विश्वास अर्थात यीशु मसीह, जो कि इब्रानियों में भी जो लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह को ताकते रहो जो हमारा विश्वास का जनने वाला और सिद्ध करने वाला, उस विश्वास से जीना है। तो परमेश्वर ये जीवन न्यू टेस्टमेंट में आकर बड़ा क्लियर है। पुराने, आपको पता है, पुराने नियम वाले अपने विश्वास से जीते थे। देखते हैं, इसको भी देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। इब्रानियों में जा रहा हूं मैं, इब्रानियों का 11 जो चैप्टर है वो परमेश्वर विश्वास का एक तरह से बहुत बड़ा की इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें हर एक पुराने नियम के व्यक्ति का नाम जब लेकर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कैसे विश्वास से जिए, मत अंत में जाकर बड़ा अजीब है। अभी तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमको मूसा के जैसे, अब्राहम के विश्वास के जैसे से चलना है। आपको मैं बताऊं, अभी जब आप वचन देखेंगे तो आपको बिल्कुल अचंबा हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखते हैं, यहां चलते हैं हम 38 में, 11 का 38। इसमें ऐसा नहीं कि इनका विश्वास अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा लिखा था, बाइबल भी ऐसी बताती है। यहां लिखकर 38 से पढ़ रहा हूं, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न थे। विश्वास ही के द्वारा उन्होंने क्या, अपने विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु क्या था? नए नियम में आपको और हमको मिल रहा है, अर्थात यीशु मसीह का विश्वास। वो नहीं था उनमें, हमें, क्योंकि वो नया जन्म नहीं पाए हुए लोग थे, वो खुद के विश्वास से परमेश्वर में विश्वास करते थे। पर अब 40 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। पता है आपके पुराने नियम वाले लोग अभी तक सिद्ध नहीं हुए थे, जब तक यीशु मसीह आया नहीं और परमेश्वर का विश्वास हम लोग को पहले सिद्ध कर रहा है। हम सोचते हैं कि वो लोग सिद्ध थे, नहीं, आप और हम सिद्ध हैं। इस चीजों को मैं आगे अभी वचन से बताऊंगा भी। तो ये चीज आपको समझना है कि परमेश्वर का जो है विश्वास, वो आना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम एक परमेश्वरीय जीवन जी सकते हैं। ये यूं है कि परमेश्वर कभी भी आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहता है जब तक कि वे आपको सुसज्जित नहीं करता। क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर कभी भी आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहता जब तक कि वह आपको सुसज्जित नहीं करता। आप खुद ही अपने जीवन में देख लिए, आप किसी एक 4 साल के बच्चे को 15 किलो का आटा करना पीपा थोड़ी उठाने के लिए बोलूंगा, जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब से। पहले तो हम उसको बढ़ाया होगा, सब होगा, तब बोलेंगे उसको। ऐसी परमेश्वर भी, परमेश्वर जीवन में भी, हम जब पहले तो बालक हो तो बाइबल बताती रहे, दूध पीने वाले फिर जाकर कठोर मास जो वचन को समझने वाले या धार्मिकता के विषय में जानने वाले, तब जाकर परमेश्वर हमसे एक ऐसी एक्सपेक्टेशन करता है कि वो चला सके। तो यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट तरीका कि परमेश्वर एक्चुअली में चलाता कैसे, किस सामर्थ्य से चलाना चाहता है, देखते हैं फिलिपियों में, फिलिपियंस 4:13 पढ़ के देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? जी, जो मुझे सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह के लिए लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं कुछ कुछ कर सकता हूं।
सब कुछ कर सकता हूं। यह है परमेश्वरी जीवन जीने का तरीका कि यीशु मसीह को हमारे अंदर लेना, उस आत्मा से चलना, उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। अब एक और सत्य को समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की शक्ति आपके व्यवहार के अधीन नहीं है। हम सोचते हैं हम जैसा व्यवहार करेंगे तब परमेश्वर की शक्ति, नहीं ऐसा है ही नहीं। परमेश्वर की शक्ति आपके मेरिट्स डिमेरिट्स पे आधारित है ही नहीं। परमेश्वर आपसे बिना कर प्रेम करता है, यही तो है परमेश्वर का, और इसीलिए तो वो अनुग्रह है कि हम आए नहीं उसके पहले ही हमारे लिए सब कुछ कर छोड़ा है। अब आप जब वचनों को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि परमेश्वर पुराने नियम में एक न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है, अर्थात न्याय करने वाला परमेश्वर पूर्ण रूप से दिखता है, और आगे चल के रेवलेशन में न्याय करेगा, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं करेगा। मगर आज जब हम नई बादशाह न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं तो वो एक पिता के अब्बा के रूप में है, ये फर्क आ गया, क्योंकि उसने पापों को डील कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। अब वो हमसे खाली प्रेम करता है, दंड नहीं देता, क्रोधित नहीं होता, यहां तक धमकी नहीं देता, और यहां तक और बढ़कर भी मैं बता दूं कि वह आपसे आपके पाप करने पर भी आपसे प्रेम करता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने जगत से कर दी। तो रोमियो 5:8 में जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, आप पढ़ के देखते हैं जब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। रोमियो 5:8 में हम जब क्या थे, पापी ही थे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये बहुत बड़ा सत्य है, परमेश्वर आपके कोई मेरिट्स डिमेरिट्स को देख के आपके लिए नहीं मरा, वो हम जब पापी ही थे हमारे लिए मरा। यहां समझ में आता है कि ये है उसकी भलाई, ये उसका प्रेम है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं या नहीं कर भी कर रहे हैं सही, तो भी परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करता रहता है, क्योंकि उसका क्रोध यीशु मसीह को उसने उंडेल दिया है उस क्रूस पे जब उसको सजा दी। और इसके लिए आज हम इस सत्य को जानने से ही परमेश्वरीय जीवन एक बड़े आसानी तरीके से, अलौकिक तरीके से जी सकते हैं। चल के देखते हैं योहन्ना 15 में चलते हैं। आप आज बने रहिए, आपको बहुत ऐसे वचन से मैं तृप्त करना चाहूंगा जिससे आप सीख सकेंगे कि परमेश्वरी जीवन कैसे जिया जाता है। योहन्ना 15:5 में लिखा था, मैं दाखलता हूं तुम डालियां, जो मुझसे बना रहता है और मैं उसमें, मैं बहुत फल लाता, कम फल नहीं लिखता। परमेश्वरी जीवन से आपके जीवन में इक्का दुक्का फल नहीं आएंगे साहब, बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोल तो दिया, ऐसी बात नहीं है, यीशु मसीह के बिना भी संसार में बहुत लोग जी रहे हैं, फल वल ला रहे हैं, मगर बहुत फल नहीं ला रहे हैं और फल उसमें लगा नहीं रहता, दिखता नहीं है, ये फर्क है ना। तो ये चीज जानना जरूरी है कि दाखलता है, वो बेसिक हमारा क्या है, जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं आप एक गुलाब का फूल जो बुके में बनाकर देता है वो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या वो 4 दिन बाद भी वैसे ही रहेगा, नहीं रहता, मुरझा जाता है। ऐसे ही हम ठीक है, एक समय में आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर, मगर जुड़े हुए नहीं हो तो आप मुरझा जाएंगे, फल लगावा नहीं रहेगा, खूबसूरती बनी नहीं रहेगी। तो यीशु मसीह परमेश्वरी जीवन के लिए सबसे पहले परमेश्वर से रिश्ता होना, आत्मा में उसके एक होना, जैसा पहला कुरिन्थियों 6:17 बताता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, तब जाकर वो परमेश्वरी जीवन जो यीशु मसीह में है, जो उसका विश्वास है, उसकी आत्मा है, वो उसके द्वारा हम परमेश्वरी जीवन जी सकते हैं, आपके कोशिशों से नहीं जी सकते। हमें चलते एक और चीज देखते हैं, योहन्ना का 6 में चल के देखते हैं, योहन्ना 6:57 में ले आ रहा हूं मैं, और देखते हैं क्या लिखा है वहां पे, वहां पे भी एक बहुत बड़ा है। यहां यीशु मसीह बोल रहा है, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, अपने कारण नहीं जीवित है, यीशु मसीह भी किसके कारण जीवित है,
पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हमें ऐसा कम्युनियन लेना, रोटी और जो है लहू को देर उसकी उस वो आप जानते कम्युनियन के लिए भी मैं बहुत जल्दी एक शिक्षा देना चाहता हूं ताकि बहुत भ्रांतियां हमारी उसके में भी हटेंगी। तो ये है तो परमेश्वर का जीवन कैसे चलता है जब हम यीशु मसीह को और उसके लहू के ऊपर निर्भर करके चलते रहते हैं, अर्थात सुसमाचार। आमीन। तो क्या मतलब है इसका कि हमारे को यीशु पर नजर रखने के कारण मैं इससे उभर सकता हूं। कोई भी परिस्थिति से आप कब उभर सकते हो? जब यीशु मसीह पे विश्वास करते रहो, आप संतुष्ट हो सके, कंटेंट हो जाओगे यीशु मसीह में और उस पर भरोसा करके चल सकते हो। इसके लिए यीशु मसीह है। आमीन। चलिए अब एक चीज और देखते हैं। यीशु मसीह का एक कारण जो मैं बोल रहा हूँ क्यों आया, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। रोमियो में वापिस चलते हैं हम, रोमियो 8 में, रोमियो 8 का 3 और 4 पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम, देखिए आप, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, हमारे हम लोग सब पापी थे और व्यवस्थाओं से हम सुधर नहीं सकते थे, तो क्या करा उसको परमेश्वर ने किया, हमने नहीं किया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने कुछ किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापी शरीर में नहीं, पाप में शरीर की समानता में भेजा। परमेश्वर इसमें से पाप कभी नहीं किया, पापी नहीं बना, पर पापी नहीं बना तो मैं अभी आप बताऊंगा कि नहीं, एक तरह से, क्योंकि जब उसके ऊपर हमारा पाप डाला गया तो वो एक पापी अवस्था में था। पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया। हमारे पापों का जजमेंट कैसे हो सका? क्योंकि हमारे पापों को यीशु मसीह के शरीर पे डाला गया, उसको दंडित किया, तब जाकर हम पाप से निकल सके, बच सके, माफी मिल सके, अन्यथा मिल ही नहीं सकते। परमेश्वरीय जीवन क्या है, शुरुआत कैसे होती, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही कारण, आपके कोई कर्मों के कारण नहीं होता। आमीन। आई बात समझ में? 8:4 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। और अब हमको आत्मा मिल सकती है और आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम सही तरीके से चल सकते हैं। फिर 8:5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, अर्थात जब उद्धार नहीं पाया हुआ है, आत्मा नहीं पाया हुआ है, अर्थात अलौकिक जीवन परमेश्वर का हमारे अंदर नहीं है, तो हम क्या है, शरीर व्यक्ति आत्मिक नहीं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मिक व्यक्ति कहाँ लगाता है मन? आत्मा पे लगाता है। और फिर आगे 8:6 में बड़ा अच्छा लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर अपने आप पे, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से चलना चाहोगे तो उसमें क्या मिलने वाला है? मृत्यु मिलने वाली है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। परमेश्वरी जीवन कैसे जिया जाता है? आत्मा पे मन लगाकर। फिर क्या लिखा 8:7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, दुश्मन बनते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते। एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आ ही नहीं सकता। ये बड़ा स्पष्ट करता है वचन। तो अलौकिक जीवन, परमेश्वरी जीवन कैसे होना है? हमको आत्मिक जीवन से जीना है। और जो शारीरिक दशा में, अर्थात जिसने उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर की आत्मा को, नया जन्म नहीं पाया, वे परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। आप ये मत सोच लेना कि आपने बिना उद्धार गाए हुए कुछ थोड़ी चीजें अच्छी कर तो प्रसन्न हो जाएगा परमेश्वर। प्रसन्न परमेश्वर इससे नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न जब होता है जब हम विश्वास से ये विश्वास करते कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया, तब परमेश्वर उस विश्वास से खुश होता है और हमको पाप के दंड से मुक्ति देता है। और 8:9 में जाकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु जबकि अलौकिक जीवन, परमेश्वरी जीवन कैसे आता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तब तुम शारीरिक दशा में नहीं
परंतु आत्मिक दशा में, आत्मिक दशा में इसलिए नहीं आ जाएंगे कि कहीं अगर हमने कहीं पे किसी एक संस्था क्रिश्चियन चीजों से चर्च से जुड़ गए तो जब तक हमें यीशु मसीह की आत्मा, आगे बड़ा स्पष्ट भी कर दिया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो आत्मिक जीवन, अलौकिक जीवन, परमेश्वरीय जीवन बिना यीशु की आत्मा के आप चल ही नहीं सकते। और आत्मिक जीवन शुरू ही जब होता है जब आपके अंदर यीशु की आत्मा आकर बसावट करती है, और वो केवल और केवल सुसमाचार के कारण। आई बात समझ में? 10वें से ये लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता अर्थात धार्मिकता का दान जो मिल रहा है के कारण क्या हो जाती है जीवित। अभी तो एक पौलुस बोल रहा है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया और मैं मारा गया, परंतु अब मैं जो जीवन जी रहा हूं या जी रहा हूं वो किससे? केवल यीशु मसीह के विश्वास से, अर्थात धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा दान में दी गई है। और 8:11 में और बहुत अच्छा लिखा है, और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, देखिए आपके कर्मों से पलाना से बहुत अच्छे चल लेने से नहीं, जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वे तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तब जाकर हम एक परमेश्वरी जीवन जैसा परमेश्वर चाहता है हम जी सकते हैं। आई बात समझ? चलिए अब देखते हैं कि यीशु मसीह से क्या क्या फायदे भी मिलते हैं, हम जीवन जीवन कैसे बिता सकते हैं। फिर देखते हैं 1 Corinthians 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अलौकिक जीवन, जयवंत जीवन कैसे जिया जाता है? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जब उसकी आत्मा हमारे अंदर है तब। इसको एक और जगह से पढ़ते हैं इसके बारे में, 2 Corinthians को खोलते हैं ताकि आप पुष्टि होगी अच्छी तरह की, जब दो से ज्यादा जगह से हमको वचन मिलते हैं तो हमारा गवाही जो है वो बहुत प्यारी हो जाती है। 2 Corinthians 2:14 भी पढ़ के देखते हैं, परंतु परमेश्वर वैसे ही लिख रहा है यहाँ पर, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा, कभी नहीं, सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध की सुगंध हमारे द्वारा, अब हमारे द्वारा क्या कर रहा है, उसके ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यही तो अलौकिक जीवन है, यही तो परमेश्वरीय जीवन है कि यीशु मसीह आपके द्वारा जी रहा है और अपनी सुगंध लोगों के बीच में, तब आप लोग जान सकेंगे कि यीशु मसीह कौन है। तो ये जीवन जीने के लिए, आपको परमेश्वर का गवाह बनने के लिए ये बहुत जरूरी है, इन सिद्धांतों को आप समझ सकें। और जो एक जो धार्मिकता के काम जो चाहता है परमेश्वर, अर्थात अलौकिक जीवन क्या है कि धार्मिकता के काम को करना, तो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, फल। धार्मिकता तो क्या है, आपके एक दान के रूप में मिल रही है, और उस धार्मिकता के फल से जो किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा होता है। भरपूर, देखिए आप धार्मिकता के बल छोटा मोटा नहीं रहेगा, आपका जीवन कैसा हो जाएगा, भरपूर होता जाओ, जिससे किसकी महिमा होगी, हमारी महिमा नहीं होगी, परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। यही तो जीवन है आलोकी, कि हम अब किसके लिए जीने वाले हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए जीने वाले हो जाएंगे। इसके लिए किस चीज में हमको अपग्रेड होना है, इसमें इफिसियों में बड़ा स्पष्ट बताया, इफिसियों 6:10 पढ़ रहा हूं। लोग क्या करते हैं, अपने बल पे, अपनी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते हैं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए, ये सारी आत्मिक लड़ाई के बारे में बता रहा है इसके आगे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। अलौकिक जीवन, जयवंत जीवन, शैतानी शक्तियों से लड़ाई करने का जीवन कैसे होगा, जब हम उसकी शक्ति प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनते जाएं, तब जाकर आप एक मसीह जीवन सही रूप से जी पाएंगे। आमीन। और उसके लिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, हम पढ़ते हैं योन्ना में 7:7
37 वो एक दान के रूप में देता है परमेश्वर वापस, और उसको देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है ये वचन में। 7:37 में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है हो तो मेरे पास आए और पिए। ये बहुत जरूरी है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में जो बता रहा है परमेश्वर। और फिर आगे लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, अर्थात हमारे काम नहीं, भाई मैंने बताया ना विश्वास से सब कुछ संभव है, तो जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, एक नदी नहीं है सब, यहां नदियां बह निकली। हालेलुया, इतना महान सामर्थ्य। और उसको समझाया, फिर उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा। ये एक तो उद्धार पाना, आत्मा का बपतिस्मा पाना आपकी आत्मा में, जिससे उद्धार होता है, और एक है आग का बपतिस्मा, उसके बारे में ये लिखा। वो कब हुआ? जब यीशु मसीह महिमा में उठाकर ले जाकर दाहिने हाथ में बैठ गया, और तब जब उसको भी पा लेते हैं तब क्या होता है, हमारा आत्मा प्राण शरीर बड़े आसानी से, ऐसा नहीं उसमें भी इच्छा तो शक्ति हमारे हाथ में ही है चलने के लिए, मगर फिर बड़े आराम से हमारी तीनों चीजें जिसके हम बने हुए आत्मा प्राण और शरीर, वो परमेश्वर के उपयोग में आ सकते हैं। तब जाकर हम एक परमेश्वरी जीवन बड़े आसानी से बिताने वाले हो सकते हैं। दूसरी चीज जो एक बहुत बड़ी चीज हुई है नए नियम में आकर, पुराने नियम में परमेश्वर लोगों के साथ था, और अब क्या है, वे हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे भीतर है। परमेश्वर का जीवन बाहर से विश्वासियों पर थोपा नहीं जाता है, ये हमारे भीतर से बहता है। ये चीज समझ ली, हमारे ऊपर कोई, हम ऊपर से नहीं थोप रखते हैं, अपने आप नहीं ग्रहण कर सकते, ये हमारे अंदर से बहना चाहिए, जैसा भी जीवन के जल के नदियां बहेंगी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और इस चीज को परमेश्वर का वचन बहुत, जब यीशु मसीह योहन्ना 14:15-16 में अपने चेलों को सिखा रहा था, तब इस चीज को बड़ा स्पष्ट उसने बताया 14:17 परमेश्वरी जीवन के लिए क्या जरूरी है। यहाँ लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, अर्थात दृष्टता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता था, अब वो तुम में रहेगा। आने वाले दिनों में जब यीशु मसीह मारा गया, जी उठा और फिर महिमाहित हो गया, तो क्या हो गया, परमेश्वर की आत्मा किसमें आ सकती है, हमारे अंदर आ सकती है। यही चीज को पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में, जब हम देखते हैं 3:16 में यही चीज को बोला, क्या बोला है वहां पढ़ के देखते हैं 13:16 में, वहां यू लिखा है, क्यों तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या करता है, अंदर वास करता है, बाहर नहीं, अंदर, ऊपर नहीं, अंदर वास करता है। और आगे हम पढ़ते हैं एक चीज और, जो कि और बड़ा स्पष्ट बताती है, कुलूसियों को जब हम पढ़ते हैं, देखिए आप इन वचनों को जब आप लिखेंगे, नोट करेंगे और उसको आप फिर अध्ययन करेंगे उन चैप्टर्स को पूरा, तब आपको एक और बहुत अच्छा प्रकाशन मिलेगा। 1:27 में लिख रखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में, कौन, अन्य जाति में हम सब आ गए, अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। ये नए नियम में यीशु के क्रूस के किए गए कार्य के कारण ही संभव हुआ, पुराने नियम में नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा ऊपर आता था, अब हमारे अंदर आकर रहता और कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, जैसे इब्रानियों 13:5 में लिखा है। ठीक है, दो जगह से और पढ़ते कुलीसियों में, एक और बहुत अच्छा लगता है मेरे को आया, जो लोग बाहर हम अभी भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर कब हमारे अंदर सामर्थ्य से आएगा। परमेश्वर का वचन आप जब पढ़ोगे तो बड़ा अलग चीज लिखी हुई है, और लोग जो सोच रहे हैं वो बहुत अलग चीज,
क्यों, अब यहाँ लिखा गया क्योंकि उसमें अर्थात यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी पूरी पूर्णता सदैव वास करती है, हमेशा वास करती है, त्रिएक परमेश्वर उसके अंदर रहता था। अब आगे क्या लिखा, और माने ऊपर की वर्ष से जुड़ा हुआ है, और तुम मसीह में, जब यीशु मसीह को हमने उद्धार करता प्रभु ग्रहण करा, तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। हम अभी चाह रहे हैं कि अभी होंगे कर, ऐसा नहीं, भरपूर हो गए हो, पास्ट टेंस, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि, आप इक्विप्ड हैं संपूर्ण रीति से आलौकिक जीवन जीने के लिए, परमेश्वर ने आपको इक्विप कर दिया सुसमाचार के द्वारा। ये है क्रक्स बाइबल का। अब देखते हैं एक दो चीजें जल्दी जल्दी मैं खत्म करना चाहूंगा। आप जैसे मैं बता रहा था कि पुराने नियम के लोगों के हिसाब से हमको नहीं बनना, जबकि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद ने 11 मत्ती 11 11 में क्या लिखा है पढ़ के देखते हैं। यहाँ ही लिखा है, आप जानते हो लाल अक्षरों में जितने भी बाइबल के आए थे वो सब परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ। अर्थात इसने दो पार्टीशन करा, पुराने नियम के जितने लोग थे उनसे सबसे बड़ा कौन हुआ, यूहन्ना। ठीक है, आगे लिखा था, पर फिर आगे लिखता है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। समझ में आ रहा है, अर्थात मैं आज यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु ग्रहण करता हूं तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो गया। जैसे यीशु मसीह में नया जन्म पाओगे तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो गए, तो मैं पुराने नियम के सब लोग जो हैं अब्राहम मूसा दाऊद सुलेमान सबसे बढ़कर हूं, यहां तक कि यूहन्ना से भी बढ़कर। साहब आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी यहां यही बात बता रहे हैं। हम नए नियम में आकर एक ऐसे व्यक्ति बन गए नए जन्म पाने से कि हम बड़े आसानी से परमेश्वर के अलौकिक जीवन को उसकी आत्मा के द्वारा जी सकते हैं। ये यीशु मसीह करना कहना चाह रहा था। इसी चीज को लूका 7:28 में भी बताया गया, पढ़ लेना। अब देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कैसे एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। इब्रानियों में चलते हैं, इब्रानियों का ये चीज में शायद पहले भी बता चुका हूं कि परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों से बढ़कर हमारे को एक ऐसा विश्वास दिया हो चुका, तो इसको मैं आगे नहीं लेता हूं। अब यीशु मसीह ने क्या करा, अलौकिक जीवन क्या है बोलता है परमेश्वर का वचन, जो मैं 14:12 में देखते हैं। 14:12 यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, और कुछ नहीं विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं, अलौकिक काम करता था है ना यीशु मसीह, वह भी करेगा। क्या करेगा, किस कारण, विश्वास रखने के कारण करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह का ऊपर महिमा में उठने के बाद एक बहुत अलौकिक शक्ति हमको परमेश्वर दे रहा है, वो पवित्र आत्मा की ही सामर्थ्य। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। आप एक परमेश्वर को महिमा लाने के लोग, जो कि सुसमाचार में मरकुस से कुछ में जो लिखा करना ग्रेट कमीशन मिशन क्यों कर सकते, क्योंकि आज यीशु मसीह कर चुका है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। किसके नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, उसके आधार पर हम कुछ मांगेंगे तो चंगाई देखेंगे, सब चीज देखेंगे, ये सब चीजें हमको संभव। और ये एक उदाहरण बड़ा अच्छा, हम इसको जरूर मैं करवाऊंगा जब आप इसको सिद्धांत को समझ पाएंगे, अन्यथा जो मती मरकुस में जैसे 16 में लिखा था ना, जो ग्रेट कमीशन का कार्य वो क्यों कर पाते हैं तो उसको भी देखते हैं। वहां 16:20 में जाकर यूं लिखा हुआ है, मरकुस 16 कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार बताओ, हाथ रख के दुआ करो, चंगे होंगे लोग बाहर दुष्ट आत्माएं निकल कर, क्या क्यों हो रहा है वो अलौकिक कार्य क्यों हो रहा है, और उन्होंने निकल के हर जगह प्रचार किया। 16:20 पढ़ रहा हूं,
और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन ये हाल की जी परमेश्वर स्वयं हमारे द्वारा काम कर रहा है। और फिर आगे लिखा और उन्हें चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए। और एक उदाहरण में योना और उसके द्वारा जो कार्य किया गया था उसको देख के समझाना चाहूंगा, उसमें बहुत बड़े सिद्धांत तो छुपे हुए हैं। प्रेरितों का काम देखते हैं एक्स में। चलिए ओके, मैं बहुत जल्द इसको वाइंड अप करने वाला हूँ। एक्स 3:3 से पढ़ेंगे हम। प्रेरितों का काम 3:3 से, जब उसने पत्रस, ये वो एक लंगड़ा आदमी जो बचपन से लंगड़ा था वहाँ टेम्पल में, अर्थात वहाँ रखा रहता बैठा रहता था या लिटाया गया था, तब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी, उसने चंगाई नहीं मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखते कहा, हमारी ओर देख। अतएव उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, उसने तो सोचा ये कुछ देंगे मेरे को भीख में। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, अर्थात पैसा ऐसा तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। मैंने पत्रस ने जो कहा तो फिर कुछ ना कुछ दिया है, वो क्या चीज है, वो आत्मिक जगत में परमेश्वर की सामर्थ्य यीशु मसीह नासरी के नाम से चल थे। और फिर उसने उसको दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था वो तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में आ गया। अब मंदिर में घुस गया। तो अब देखते हैं, ये आप पढ़ रहे थे 3:8 तक मैंने पढ़ा, अब सीधा हम चलते हैं 3:12 में। यहां देखो पत्रस क्या बोल रहा है। यह देखकर पत्रस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बनाया। अर्थात अब पौलुस पत्रस की भक्ति भी काम नहीं आ रही ना उसकी सामर्थ काम आ रही है। फिर आगे और पढ़ते हैं, ये तो 3:12, अब चलते हैं सीधा 3:16 में। अब पौलुस समझाता है उनको, और उसी के नाम ने, अर्थात यीशु मसीह के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, अब मैंने आपका विश्वास भी नहीं, यीशु मसीह का विश्वास जानते भी हो, सामर्थ दिए, और निश्चय ही उसी विश्वास ने जो यीशु के द्वारा है, यीशु के द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। इस आयतों को पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि मेरी भक्ति के कारण, मेरी सामर्थ के कारण या ना मेरा विश्वास, ये सब कुछ क्या है, परमेश्वर की ओर से है, जिसके कारण हम ये सारे कामों को कर पाते हैं। अलौकिक जीवन जीने का रहस्य यही है कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है, केवल केवल यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। और इसी के लिए पौलुस ने क्या बोला, पौलुस करता क्या था, पौलुस अपने ऊपर चीज मैंने विश्वास नहीं लाने दे रहा था अपने समझ और बुद्धि पे। वो यहां लिखा है, वो मेरे वचन, वो मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, हमको अपने सांसारिक लुभाने वाली बातों से नहीं प्रचार करना, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर। हमारा प्रचार, आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं उससे क्या बता रहा हूं कि हमारे को अपने ज्ञान पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना है। आमीन। मैं आज चाहता तो बहुत चीजें बताता, मगर यहाँ पे मैं अब इंक्लूड करना चाहूंगा कि आप सारी चीजें जो हो रही है वो परमेश्वर के बल से सामर्थ्य, यहाँ तक कि जब उद्धार के विषय में एक चीज को पढ़ते हैं उससे भी आपको समझ में आएगा, आपके सामर्थ्य से नहीं करना है हमारा उद्धार हुआ। जिसका भी बच्चा बोल रहा है का वो अपने माइक को बंद कर ले प्लीज, बस अब हम खत्म अंतिम चरणों में जा रहे हैं, प्लीज ये बंद करें, बहुत आवाज आ रही है जो भी इसको कर रहा है। चलिए
फिलिप्पियों 2:12 पढ़ते हैं हम, इस वर्सेस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। पार्टिसिपेंट्स को चलिए, थैंक यू जीसस। तो यहाँ लिखा, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हुए आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखो यहाँ ये नहीं लिखा उद्धार को पूरा करते जाओ, उद्धार का कार्य तो हो चुका है हमारे अंदर, परमेश्वर की सामर्थ्य मिल गई, उससे हमको अब पूरा करना है। क्या करना है, कैसे करता है, वो आगे लिखा है 2:13 में। क्योंकि क्योंकि का शब्द माने जुड़ने से ये पता पड़ता है कि ऊपर के वर्ष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही है, आप नहीं हो, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है, हालांकि जीवन इससे जिया जाता है। सब काम बिना टुकड़ा बिना की बात, अलौकिक जीवन के लिए क्या जरूरत है हमारे को, स्वयं परमेश्वर की, और वो हमारे को एबिलिटी देता है ताकि हम सब चीज कर सकते हैं, वो है वो अनुग्रह की, ठीक है ना। यहाँ तक कि हमारा जो रैप्चर होगा, पहला तस्वीर में 4 में वहां पे भी लिखा कि जो विश्वास करेगा उनको उठा लेगा, और 3:17 में भी योना 3:17-18 में भी बताया कि परमेश्वर पे जो विश्वास करता है ईश्वर पे उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, पर जिसने विश्वास नहीं किया उस पर दंड की आज्ञा है ऑलरेडी। और 5:16 में गलतियों में लिखा था कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को, आलौकिक जीवन कैसे आत्मा से चलने से होता है। और आखिरी में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो है इब्रानियों से, और उसके बाद मैं इस सभा को समाप्त करना चाहूंगा। इब्रानियों का 12 खोलते हैं, इब्रानियों का 12 जी। आपके अगर कोई सवाल वाल होंगे तो मैं अभी जैसे खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं समय दूंगा आप लोगों को पूछने के लिए, और कोशिश करके वचन से सिखाऊंगा। यहाँ 12:28 में लिखा था, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, अर्थात नया जन्म पाकर परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में जो आ गया, आत्मा पाली, जो हिलाने का नहीं है, वो हिलता नहीं है, हमेशा बना रहता है, उस अनुग्रह के हाथ से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे प्रसन्न होता है, अलौकिक जीवन जीने लायक बन जाते हैं, परमेश्वर को भाने वाले हो जाते हैं। और इस यही एक तरीका है जो परमेश्वर की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा से हम बड़े आसानी से जीने वाले से। और भी कुछ आयतें सब हैं, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। रेवलेशन में भी बताया कि उसने हमारे को राज्य और उत्तराधिकारी बनाया है। तो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ इस चीज को, और अगर आप, आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछना, उसके पहले हम इस सभा को एक बार समाप्त करना चाहेंगे एक छोटी सी दुआ के साथ। चलिए सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं दुआ करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आज तूने इतना अच्छा मौका दिया कि तेरे इस सिद्धांतों को तूने सिखाया वचन से, ताकि हम एक अलौकिक जीवन जो परमेश्वर की सामर्थ्य से जिए चलने वाले हो सके, अपने बल से अपनी सामर्थ्य से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा चलने वाले हो सके, इस चीजों को इन वचनों के द्वारा लोगों के अंदर ऐसा प्रकाशन दे कि ये समझ सके कि अनुग्रह से ही सब कुछ संभव है। इसी के लिए पौलुस ने भी कहा, तेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु मैं चाहता हूं ये लोग इस अनुग्रह को समझे, आत्मा को समझे, पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सब बोले आमीन।